अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है ये एजाज असलम के प्रोडक्ट्स के बारे में है। जो मुझे कुछ प्रोडक्ट्स इनके अच्छे लगे थे तो मैंने चार ऑर्डर किए थे, जैसे कि आप सबको नज़र आ रहे हैं। ये चार प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए थे। ये इनका फेस सीरम है, ये फेस मिस्ट है, ये 7-in-1 हर्बल शैम्पू है और ये हेयर मिस्ट है। तो इन चार प्रोडक्ट्स में से कौन से मुझे दो ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लगे हैं, जो मैं आपको एंड में रिकमेंड करूँगी कि वो आप लोगों ने ज़रूर यूज़ करने हैं, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं। और ये चारों चीज़ें या जो भी एजाज असलम के प्रोडक्ट्स हैं वो सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो दो मुझे इन चारों में से बहुत अच्छे लगे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इन चारों की मैं आपको प्राइसेस बताऊंगी। अच्छा, इसके साथ जब मैंने ये चार प्रोडक्ट ऑर्डर किए तो ये फेस मास्क जो वॉशेबल फेस मास्क है ये मुझे फ्री मिला है, ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगी और इसकी एक्चुअल प्राइस भी मैं आपको बताऊंगी। इन चारों प्रोडक्ट के साथ मुझे ये डिटेल के अंदर पेपर मिला था जिसमें तमाम चीज़ों के बेनिफिट्स और उनके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब शो हो रहे थे। तो मुझे इससे काफ़ी हेल्प मिली कि क्या इनके एडवांटेजेस हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है वो इनका ये फेस सीरम है। ये फेस सीरम जो है इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, ये मुझे पड़ा है 1950 का। तो समझें ये 2000 का सीरम है, लेकिन ये वर्थ बाइंग है। ठीक है, जिनकी स्पेशली नॉर्मल स्किन है और ड्राई स्किन है उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त सीरम है, जिनकी ड्राई एंड नॉर्मल स्किन है। ऑयली स्किन वाले या कॉम्बो स्किन वाले एक दो ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं नाइट के अंदर, लेकिन ज़्यादा बेहतर है ये ड्राई और नॉर्मल स्किन वाले यूज़ करें। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से दिखा देती हूँ। अच्छा, ये नाइट सीरम है, ठीक है। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? इसमें ऑर्गन ऑयल है, विटामिन सी है, मोरिंगा है और रोज हिप ऑयल है। ये करता है कॉलेजिन को बूस्ट, ठीक है। ये रीजनरेट करता है न्यू स्किन सेल को, आपकी स्किन टोन को इवन करता है। जिनकी पिगमेंटेड स्किन है या डल स्किन है वो इसको यूज़ करें। अपलिफ्ट करता है, फर्म करता है स्किन को, फाइन लाइन रिंकल के लिए ओवर टाइम ये बेहतर है। और ये इसमें लिखा हुआ है एज यू सी ये ऑल स्किन टाइप को सूट करता है सीरम, पर मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ऑयली सीरम है। मैं आपको शो करती हूँ, ये देखें, ये इसके अंदर सिल्वर फ्लेक्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखें, ये ऑयली सीरम है। तो जिनकी ड्राई स्किन है या जिनकी नॉर्मल स्किन है वो तो इजीली इसको यूज करें, लेकिन जिनकी नॉर्मल और ऑयली है वो कम यूज करें, मतलब एक दो ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। और ये सारी डिटेल्स इनके पीछे भी लिखी हुई है। और ये सीरम बहुत ज़बरदस्त है और मुझे बहुत पसंद आया। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये एंटी एजिंग सीरम है। अगर रोज़ाना जितनी भी गर्ल्स हैं या जो भी मेल्स फीमेल दोनों हैं वो दो तीन ड्रॉप्स इसको रात को लगा के सो जाएं तो स्किन काफ़ी आपकी बेहतर हो जाती है। इसकी प्राइस मैंने आपको मेंशन कर दी, 1950 है। तो ये सीरम वर्थ बाइंग है, ये मैंने काफ़ी यूज़ करा है 1-1.5 महीने और मुझे काफ़ी पसंद आया है। अच्छा, इसमें सिल्वर फ्लेक्स के अलावा गोल्ड एक्सट्रैक्ट भी शामिल है, इल्यूमिनेटिंग थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट भी देता है आपकी स्किन को, मगर ये रात को यूज़ करने वाला सीरम है, ठीक है। ये आपको मैं कंसिस्टेंसी सब चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप जिनको ख़रीदना है वो अच्छी तरह देख लें, ठीक है। ये मैं आपको क्लोज लुक में भी दिखा देती हूँ। ये कितने ml हमें मिलता है? ये हमें मिलता है 30 ml, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने इनकी मंगाई थी, क्योंकि मेरी स्किन में थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट सनलाइट की वजह से हो जाते हैं, तो मैं अमूमन वो चीज़ें ज़्यादा मंगाना पसंद करती हूँ जिनमें विटामिन सी हो, ठीक है। तो ये फेस मिस्ट था इनका, इसकी प्राइस भी आपको भी बताती हूँ। ये डेली सन प्रोटेक्शन इसमें लिखा हुआ है, हाइड्रेटिंग मिस्ट है। इसमें भी सिल्वर फ्लैक इन्फ्यूजन लिखी हुई है, गोल्ड भी इसमें लिखा हुआ है, बट एज सच मुझे सिल्वर या गोल्ड इसके अंदर फील नहीं हुआ। ये देखें, मैंने 1-1.5 महीने में काफ़ी आधी से ज़्यादा बॉटल आप देख लें यूज़ कर ली है। ये जस्ट एक वाटर स्प्रे टाइप है। इसमें देखें, ये सिल्वर आपको थोड़े से फील हो रहे होंगे सिल्वर फ्लेक्स, पर जब हम लगाते हैं ना तो उस वक्त मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, अंदर थोड़े बहुत हैं। अच्छा, इसके फंक्शन हम बिल्कुल ऑथेंटिक वे में पढ़ लेते हैं कि भाई इस फेस्ट मिस्ट की एजाज असलम ने जो बनाई है
ये भी हमें अराउंड कितने ml मिलता है, ये हमें 50 ml मिलता है। इसकी प्राइस जो है वो आई थिंक 1150 है, ठीक है। इनकी वेबसाइट एजाज असलम स्टोर के नाम से है। इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी आप जाके अच्छी तरह प्रॉपरली चीज़ों को चेक करके बाय कर सकते हैं। अगेन, ये जो फेस हाइड्रेटिंग मिस्ट है, ये भी जो है वो सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है और इसमें हाइड्रेशन दे रही है। एज यू सी, इसमें सब लिखा हुआ है भाई, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ये जो है इसमें वाटर है, इसमें जो है वो रोज है, इसमें नरिशिंग ऑर्गन ऑयल है, हाइलोरोनिक एसिड है। ये इंस्टेंट हाइड्रेशन बूस्ट, कूल इफेक्ट पैदा करती है आपकी स्किन में, टाइटन करती है पोर को, ग्लो पैदा करती है और इट सूट्स ऑल स्किन टाइप। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि ये मैंने आधे से ज़्यादा, जैसे कि आप देख रहे हैं, यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे ये कोई इतनी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं लगी कि ये इतनी सी बोतल 1150 की आप जस्ट हाइड्रेशन के लिए यूज़ करें। मुझे ये इतनी ज़्यादा बेनिफिट नहीं लगी लेना। इसकी बजाय आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर लें तो वही सेम इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों की मर्जी है, इसमें चीज़ें तो बहुत सारी हैं। अगर आप यूज़ करना चाहें, आपकी स्किन अगर डल है और आप फ्रेशन करना चाहते हैं, और आप जैसे ऑफिस में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, और आप चाह रहे हैं ऐसे ऐसे स्प्रे कर लें फेस पे जल्दी से फ्रेश करने के लिए, अपने मेकअप को या अपनी स्किन को, देन आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये बाय करें, पर मैं इसकी रिकमेंड नहीं कर रही हूँ आपको, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई वो इनका 7-in-1 हर्बल शैम्पू है। ये इसमें कैफीन है, ये आपके हेयर की ग्रोथ को बूस्ट करता है, टी ट्री है इसके अंदर, और इसके अंदर डेंड्रफ, एंटी डेंड्रफ क्वालिटी है कि ये आपकी बालों में डेंड्रफ होने नहीं देता। ये मैंने खुद 1 month यूज़ किया है, बल्कि मोर देन 1 month यूज़ किया है, कि ये ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा पानी निकल गया है, ये ख़त्म हो गया है पूरा, और पानी डाल के भी मतलब मैंने इसको यूज़ किया है। तो ये अच्छा शैम्पू है, लाइक ये पेंटीन या डव शैम्पू का मुकाबला इजीली कर सकता है। बहुत ही स्मूथ शैम्पू है, नरिशिंग शैम्पू है, ग्रोथ भी बूस्ट करता है, डैंड्रफ भी दूर करता है, और मुझे बहुत पसंद आया है। इसके मजीद बेनिफिट जो ऑथेंटिकली इन्होंने क्लेम किए हुए हैं, अच्छा जो बेनिफिट मुझे लगे वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन जो इन्होंने क्लेम किए हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। देखें, ये इनका शैम्पू है, इसमें कैफीन है, बूस्ट हेयर ग्रोथ, टी ट्री फाइट्स अगेंस्ट द डैंड्रफ, एंड इसमें कुछ ऑयल्स भी हैं जो स्मूथ करते हैं आपकी इची स्कैल्प को। तो ये इचिंग स्कैल्प के लिए भी अच्छा है, पैराबिन फ्री है, डीप क्लींस, रिवाइटलाइज, 7 हर्ब्स हैं इनके अंदर, और हेयर लॉस को रोकता है, और शाइनी, ये सब चीज़ें शैम्पू के बारे में बिल्कुल ठीक लिखी हैं। शैम्पू मुझे बहुत से ज़्यादा पसंद आया है। तो और सबसे बड़ी बात, ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल ज़्यादा नहीं है। चौथी चीज़, अच्छा इस शैम्पू के प्राइस का आप लोग वेट कर रहे होंगे यकीनन, तो इस शैम्पू की जो प्राइस है मुझे बहुत पसंद आया, एजाज असलम का ये चीज़। तो इस कितने ml है, 250 ml है, और इसकी प्राइस है 1290, अराउंड 1200 इसकी प्राइस है, ठीक है, 1200 इसकी प्राइस है, 1190 का उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। ओके, अब फोर्थ चीज़ जो देखिए मैंने यूज़ नहीं की, थोड़ी सी यूज़ की है, एज यू सी आप देख रहे हैं, ये तीनों चीज़ें मैंने काफ़ी यूज़ की, ये दो चीज़ें तो बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं। ये मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ये इनका हेयर मिस्ट था, तो ये एक एंटी डैंड्रफ स्टाइलिंग मिस्ट है। इट कंटेन्स ऑर्गेनिक आर्गन एंड कोकोनट ऑयल, और ये 100 ml की पूरी बॉटल है, आराम से 2 महीने आपकी चल सकती है। मैंने लगाया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि बालों को असल में कर क्या रहा है, मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ मगर मुझे फ़ायदा कोई फील नहीं हुआ। लाइक सबसे बुरा मुझे शायद यही लगा है इसका हेयर मिस्ट। इसके फंक्शंस हम देख लेते हैं, लाइक एंटी डैंड्रफ है, इसमें आर्गन ऑयल है, ये फ्रिज को दूर करता है, कोकोनट ऑयल आपके इसमें है तो टू बूस्ट हेल्दी हेयर, एंड एंटी बैक्टीरियल टी ट्री भी है इसके अंदर। बेसिकली ये लाइट वेट हेयर मिस्ट है, इसमें प्लेजेंट फ्रेगनेंस है, ये शाइन और टेक्सचर आपकी हेयर्स को देता है, डैंड्रफ कंट्रोल करता है और नरिश करता है। बट मुझे ये कोई इतना खास नहीं लगा, ना मैंने इसको यूज़ किया, जैसे कोई बाल सीधे वीधे भी इससे इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, लाइक अगर किसी के घुंघरू बाल हैं वो बिल्कुल सिंपल से सीधे हो जाएं,
तो बस ये नॉर्मल सा हेयर मिस्ट है, किसी को बहुत डेंड्रफ हो या बहुत ड्राई हेयर हो तो उनके लिए अच्छा है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। अच्छा, इसकी कीमत 1450 है, आई थिंक 1500 का ये है, तो मैं तो 1500 का आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं आपको शैम्पू और फेस सीरम इनका रिकमेंड करूँगी ज़रूर, ये आप ज़रूर लीजिए। मैं क्लोज करके भी आपको दिखा देती हूँ, ये चीज़ें आप ज़रूर इनकी बाय करें, मुझे बहुत पसंद आई हैं। अच्छा, साथ में जब मैंने ये चारों चीज़ें इनकी ऑर्डर की तो मुझे ये इनका मास्क मिला। ये वैसे इसकी एक्चुअल प्राइस इनकी जो वेबसाइट है उस पे है 400। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ मास्क, ये देखें, ये एजाज असलम का इस पे लोगो भी बना हुआ है, और ये देखें, ये इस तरीके का कपड़े का मास्क है। इसका कोई कपड़े के मास्क का इतना कोई फायदा नहीं होता, मुझे तो इतना समझ में नहीं आया, बट बहरहाल आपको मेरी ये वीडियो पसंद हुई हुई अगर लगी है, सॉरी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर दें, कोई सवाल पूछना हो मैं आपको ज़रूर आंसर कर दूंगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दें वीडियोस को, ताकि बाकी लोग जो लोग भी ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं उनका भी फ़ायदा हो जाए, वो भी देख लें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।